हे गाइस, ये है मानस रिवर एंड हम लोग हैं मानस नेशनल पार्क में, जिससे कि ये रिवर जुड़ी हुई है। एंड इस रिवर की खास बात ये है कि ये इंडिया एंड भूटान की ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसके इस तरफ इंडिया है तो इसके ऑपोजिट साइड में भूटान है। इस रिवर के कारण ही इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है मानस नेशनल पार्क। एंड यही नेशनल पार्क भूटान की तरफ भी कंटिन्यू है, जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क में आपको कई वैरायटीज देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ की, जैसे कि इंडियन राइनोज, इंडियन एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलोज, डियर, वाइल्ड बोर। इसी के साथ आपको यहाँ पर कई इंडेंजर्ड स्पीशीज भी आप यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर, पिग्मी हॉग, आसाम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर। आसाम में ये नेशनल पार्क काफ़ी लेस नोन प्लेस है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट डिटेल दूंगी, ताकि आप यहाँ के लिए अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे बेस्ट सीजन क्या है, आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, साथ ही में यहाँ के सफारी के डिटेल्स, आप यहाँ पर आके क्या क्या कर सकते हैं, स्टे के डिटेल्स। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे इंडिया में ऐसे लेस नोन प्लेसेस के बारे में सभी लोगों को पता चल सके। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। मानस नेशनल पार्क से गुवाहाटी का डिस्टेंस है 176 किलोमीटर। तो यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गुवाहाटी आना पड़ेगा, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट गुवाहाटी में ही आपको मिलेगा। देन गुवाहाटी से बाय रोड टैक्सी करके आप पहुंच सकते हैं मानस नेशनल पार्क। इसके बाद यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तब भी आपको पहले गुवाहाटी ही आना पड़ेगा। देन गुवाहाटी से आप बाय रोड मानस नेशनल पार्क पहुंचे, या फिर गुवाहाटी से आप एक दूसरी ट्रेन ले सकते हैं बारपेटा रोड के लिए, जो कि 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देगा। एंड ये बारपेटा रोड मानस नेशनल पार्क से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो यहां से आपको कोई भी लोकल टैक्सी मिल जाएगी मानस नेशनल पार्क के लिए। बट आई सजेस्ट कि आप गुवाहाटी से प्राइवेट टैक्सी हायर कर लें, विच इज मच बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं मानस नेशनल पार्क विजिट करने के लिए कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा। आप समर एंड विंटर दोनों सीजन में जा सकते हैं। ये पार्क ओपन रहता है फ्रॉम अक्टूबर टू मई, जिसमें से यदि आप फरवरी एंड मार्च में प्लान करते हैं तो यहाँ पर उस दौरान ग्रास को जला दिया जाता है, जो एलिफेंट ग्रासेस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उन्हें जला दिया जाता है, जिससे कि एनिमल्स को स्पॉट करने की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो इस टाइम ड्यूरेशन में प्लान कर सकते हैं फरवरी एंड मार्च में। देन मानसून में यहाँ पर आना अवॉइड करें, बिकॉज यहाँ पर हैवी रेनफॉल के कारण इसे क्लोज कर दिया जाता है फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। नाउ हम बात करते हैं मानस नेशनल पार्क के कुछ रेंजेस के बारे में। यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको इनके बारे में थोड़े से डिटेल्स होना चाहिए कि यहाँ पे कितने रेंजेस हैं विजिट करने के लिए। तो यहाँ पर मानस नेशनल पार्क के 3 रेंजेस हैं, बांसबारी, पानबारी और भुयापारा, जिसमें से बांसबारी इज अ सेंट्रल रेंज, पानबारी इज वेस्टर्न रेंज एंड भुयापारा इज अ ईस्टर्न रेंज। तीनों रेंजेस में आप जीप सफारी कर सकते हैं, बट यदि आपको एलिफेंट सफारी करना है तो वो सिर्फ आपको बांसबारी रेंज में मिलेगा। इसी रेंज में आप मानस रिवर में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि अगेन दूसरी दोनों रेंजेस में अवेलेबल नहीं है। एंड यदि आप गुवाहाटी से आ रहे हैं तो बांसबारी रेंज आपको सबसे पास में पड़ेगी। बांसबारी से पानबारी अगेन 45 मिनट्स का डिस्टेंस पर है, भुयापारा वहाँ से 2 आवर्स की डिस्टेंस पर है। बट यदि आप मानस नेशनल पार्क को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप दूसरी दोनों रेंजेस को भी चेकआउट कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप जब भी आएँ बांसबारी रेंज में आएँ। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मानस नेशनल पार्क में आप आकर क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आकर जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, बर्डिंग टूर एंड रिवर राफ्टिंग जैसे कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसमें यदि हम जीप सफारी की बात करें तो तीनों रेंजेस में यहाँ पर अलग अलग चार्जेस हैं जीप सफारी के। बांसबारी रेंज में सब कुछ मिला के, जैसे कि एंट्री फीस और टैक्स सब चीज़ें मिलाकर यहाँ पर आपको जीप सफारी पड़ेगी 3700 में, इंक्लूडिंग 6%। यहाँ पर 2 शिफ्ट में जीप सफारी होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। देन पानबारी रेंज में आपको पड़ेगा 7500 के अराउंड जीप सफारी का, जो कि एक ही बार मॉर्निंग में होती है। देन भुयापारा में इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 4600 के आसपास, जो कि अगेन एक ही बार होती है मॉर्निंग में। जीप सफारी में आप कई सारे एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हैं, साथ ही में आप यहां पर सिर्फ बर्डिंग टूर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बर्ड्स को स्पॉट कर सकते हैं, चार्जेस जीप सफारी के सेम ही रहेंगे। बट यदि आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप यहां पर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ बांसबारी रेंज में होती है। इसके चार्जेस होते हैं 1000 रुपीज पर हेड एंड टाइमिंग रहता है 6 AM to 7 AM एंड 7 AM to 8 AM, 2 शिफ्ट में यहाँ पर रहती है एलिफेंट सफारी। आप कोई भी सफारी बुक करना चाहते हैं वहाँ पर, तो मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें कॉल करके अपने लिए सफारी बुक करवा सकते हैं। बट जब भी आप जाएँ तो कुछ दिनों पहले उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दें।
लास्ट मोमेंट पे यदि आप सफारी बुक करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बुकिंग्स बहुत जल्दी यहाँ पर क्लोज हो जाती हैं। इसके बाद यदि आप वहाँ पर मानस रिवर में रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप बांसवाड़ी रेंज में कर सकते हैं। अगेन इसके चार्जेस आपको लगेंगे अराउंड 6,000 रुपीज़ to 7,000 रुपीज़, जिसमें कि 6 पीपल्स रहेंगे एंड ये 2 आवर्स के लिए रहता है एंड इसका टाइमिंग है 9 AM to 2 PM। इसी के साथ यदि आप यहाँ पर 2 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप 1 दिन भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क में भी सफारी करने के लिए जा सकते हैं। कुछ एरिया में अंदर आप सफारी के लिए जा सकते हैं बट इस सफारी के चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे जो कि अराउंड आपको 5,500 रुपीज़ के आसपास लगेंगे। उसमें आपको रिवर साइड से 16 किलोमीटर्स ऊपर ले जाया जाता है भूटान के तरफ, बट उसके लिए आप अपने साथ वोटर आईडी जरूर कैरी करें, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आधार कार्ड वहाँ पर बिल्कुल नहीं चलता है। भूटान में यदि आपको एंटर करना है तो आपको वोटर आईडी ही अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। भूटान में जाकर आप वहाँ पर लंच कर सकते हैं, वहाँ एक छोटा सा मार्केट है, वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। सो यदि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं इस सफारी में तो आप इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। मानस नेशनल पार्क में यदि हम स्टे की बात करें तो यहाँ पर आपको कई रिजॉर्ट्स एंड होम स्टेज मिल जाएंगे। यहाँ 1500 से लेके 8000 रुपीस तक के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने कुछ लग्जरी एज वेल एज अफोर्डेबल होटल्स एंड होम स्टेज के नेम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर गवर्नमेंट बंगलोज भी अवेलेबल थे बांसवाड़ी रेंज में, जिन्हें की बुक किया जा सकता था, बट अब वो कुछ टाइम से क्लोज कर दिए गए हैं। आई डोंट नो उनको कब रीओपन किया जाएगा, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो रीओपन हुए हैं या नहीं। ये आपके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली रहेंगे। साथ ही में आप उनसे जीप सफारी, एलिफेंट सफारी या रिवर राफ्टिंग की एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से मानस नेशनल पार्क की ट्रिप प्लान करने के लिए कई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई हाईली रिकमेंड कि आप इंडिया के ऐसे लेस नोन प्लेसेस को जरूर एक्सप्लोर करें। वीडियो ने यदि आपको हेल्प की हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।